नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में कल से एक सनसनीखेज चल रहा है कि सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील के अंतर्गत तेंदुआ ने दस्तक दे दी। उसी जानकारी के लिए हम वहीं जयसिंहपुर क्षेत्र के ग्राम सभा करौंदी में आ चुके हैं। ऐसे पता लगा कि कल जो है यहाँ पर एक भैंस को शिकार बनाया था, तो उस भैंस के मालकिन है और वो उनके पीछे घर भी है उनका, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चमेला। चमेला जी, क्या था जो भैंस कल से तेंदुए की जानकारी आ रही, तो क्या लगता है आपको? आपकी भैंस को पानी खाए लहे बाट है और हमें सब देखे ना 3 बजे रात तक कनी जा हमार पानी ये पागुर करी सही के। अच्छा, हाँ। क्या तारीख की घटना है ये? हम मामा, चलिए ये ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला था। क्या नाम है सर जी? रमेश चंद चौहान, पिता का नाम जगन्नाथ चौहान जी, ग्राम करौदी मलवा और जयसिंहपुर तहसील के निवासी हैं जी। सुबह सर हम जब उठे नित क्रिया करने के बाद दुकान पे गए चाय पीने जी। तो वहाँ ये पता लगा कि भुल्लुर के पड़िया को कोई जानवर खा गया, जंगली बड़ा जानवर। तो तत्काल महोदय वहाँ से जब हम यहाँ आए बाइक से और जब देखा गया तो उसका एक पैर पूरा साफ, दूसरे में हाफ और पूंछ और पेट को चीर के कलेजा और उसका खून एकदम खाया, तो उसको बोरे वोरे ढांका गया। मौके पे जानवर उस दिन नहीं, मतलब उस टाइम नहीं देखा गया, लेकिन उसी के ठीक रात में, पूरा दिन बीत गया, रात में हम लोग 10-11 बजे यहाँ बैठे थे तो तेंदुआ इधर से, हम लोग वही तलाश में थे, पता नहीं दोबारा अटैक कर, फिर तेंदुआ निकला और इधर से उत्तरी साइड से होते हुए अपना इधर निकल गया, इतनी जानकारी है हमको। अच्छा, तेंदुआ ही था? अब तेंदुआ जानवर हम भाई लाओ भाई, तेंदुआ होता रहा, तेंदुआ या चीता या एक आम से उतना चीनी ना पाई। चीते के बेस में भी कुछ नजर आया था? हाँ, एकदम पूरा लंबा। क्या कोई पक्का निशान उशान, जैसे पग पैर का निशान है सर? पैर का निशान है, वो आपको दिखाए, बाकी जो पैर का निशान था बारिश हो गई इससे वो उसका निशान। चलिए अब देखते हैं जो तेंदुए ये बता रहे हैं कि तेंदुआ है, तेंदुआ के पैर का निशान, चलते हैं इनके साथ में, दिखाते हैं कि तेंदुए का ही पैर का निशान है या किसी और जानवर का। कहाँ, कितनी दूर पे है यहाँ से? बस यहाँ थोड़े है। अच्छा, बगल में यहाँ से चलते हैं, वहाँ से 25 मीटर दूर पे। अच्छा, 25 मीटर दूर पे। हाँ, वहाँ से यहाँ 25 मीटर दूर पे वो पक के निशान आपको दिखाएंगे, जो कल से एक सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहा है कि सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर तहसील में तेंदुआ ने दस्तक दी है। ये आपको दिखाते हैं, ये आ गए हैं इनके पास, तो ये पग के निशान जो हैं हम आपको दिखाएंगे। ये ग्रामीण हैं, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पग के निशान, ये देखिए कैमरे में आप देख रहे होंगे कि ये पग के निशान हैं, काफ़ी बड़े हैं, कुत्ते का पग नहीं लग रहा है ये। वो भी है, वो भी दिखा दीजिए आगे। ये दूसरा पग है, यहाँ से चलते, इधर ही से निकला था क्या? हाँ, इधर ही वो घुसा था, इधर ही से निकला फिर इधर को गया पश्चिमी साइड को। अच्छा, बड़े बड़े पग के निशान हैं। अब ये जांच का विषय बनता है कि किस जानवर के पैर का निशान है ये। तो ये हमारे पीछे देखेंगे तो हमारे पीछे ये जंगल जो दिख रहा है, ये जंगल है, यहीं से निकला था तेंदुआ ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय होगा, तेंदुआ है कि क्या है। ये जांच होने के बाद वन विभाग के ऊपर जांच सौंपी गई है, वो जांच कर रही है। जब अधिकारी से हमारा रूबरू हुआ तो वो बताए कि हमारी जांच चल रही है, जब पुष्टि हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। आइए और भी ग्रामीणों से पूछते हैं कि क्या, कितने बजे तक वो देखें, कितने बजे तक, कहाँ से कहाँ तक दौड़े हैं। और कोई भैया है देखने वाला? कौन देखा था? आइए, ये भाई साहब हैं, आइए भाई साहब के पास चलते हैं। क्या नाम है सर जी? जी मणि प्रताप चौहान जी। उसको हम लोग रात 11 बजे यहाँ से जी जी पत्थर मार के निकाला गया उसे जी, और इसी रास्ते से भागा, वहाँ से वहाँ तक हम लोग रात में दौड़ाए थे। इधर वो जो कैमरे में आप देख रहे हैं, वो सामने एक ट्यूबवेल नजर आती है, ट्यूबवेल है जी जी, ट्यूबवेल है, उसके वहाँ तक हम लोग दौड़ाए, लेकिन रात का समय था और जंगल भयानक आप देख रहे हैं जी, कोई रात में घुस नहीं सकता बरसात में यहाँ, और खतरनाक जानवर सुनने के बाद कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जानवर दिखने में कम से कम 1 मीटर की लंबाई है, इतनी लंबाई है जी, और ऊंचाई उसकी इतनी बड़ी है,
और जिस हिसाब से यहाँ निशान उसके पड़े थे, मतलब इतना गहरा गहरा उसका चंगुल का निशान था। कितने? इतना गहरा गहरा था। आधी इंच वाली। आधी इंच? हाँ, आधी इंच। आधी इंच, आधी इंच जो है उसके जो ऐसे नाखून से धसा देता है। अब ये मान कर चलिए हमारे यहाँ इतनी दहशत है कि हम लोग दो दिन रात में भी सोए नहीं हैं। वो घटना देखकर जिस हिसाब से वो घटना किया था, अभी हम लोग सोए नहीं हैं। एक तरफ तो देखा जाए 24 घंटा बीतने वाला है, 24 घंटे हो गए हैं, कहीं ना कहीं तो दिखा जाता लोग तमाम खेत में काम कर रहे हैं तो नहीं, नहीं नहीं, जैसा था जब यहाँ घटना किया, घटना करने के बाद पूरा मान लीजिए रात 4 बजे की घटना थी और हम लोग 11 बजे रात में यहाँ से निकाले इसको। दूसरे दिन? अच्छा, दूसरे दिन तक। हाँ। यानी कि बैठा था यहीं पे? यहीं कहीं बैठा था पूरा दिन वो जी। बस ये जो सुरंग दिखाई दे रहा है यहाँ से गया था, इस रास्ते से गया था। अरे वो तो दिखाया गया अभी, उसी सुरंग के अंदर वहाँ गन्ने बैठा था। रात 11 बजे पत्थर मार के निकाला गया उसे। अच्छा। और टीम भी आई थी, जैसे जो विभाग की टीम है सूचित किया गया था, टीम आई थी, उन्होंने ये कहा कि 100 मीटर के इर्द-गिर्द में वो होगा। जिस हिसाब से वो अपना डोज लिया है 100 मीटर से वो आगे नहीं जाएगा। 12 किलो तक मांस खाए। वन विभाग के कौन से अधिकारी आए थे? कुछ क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। वन विभाग की पूरी गाड़ी आई थी? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं आई थी। क्या कह रहे हैं? दो लोग साइकिल से आए थे सर। अच्छा। हमने 2-3 बार वन विभाग का नंबर हमारे पास अभी है भी, तो वो कह रहे हैं भेज रहा हूँ भेज रहा, तो दो लोग साइकिल से आए थे। उसके बाद पुलिस आई थी 112 नंबर, उन्होंने नंबर दिया मुझे, कहा वन विभाग से बात करो। मैंने बात किया तो वो दो लोग साइकिल भेज दिए थे। वो देखे तो आगे कहें हाँ बात हकीकत है, फोटो फाटा लिए जो भी करना था। तेंदुआ होने की पुष्टि भी कर दिए? नहीं, कहें कि ये तो जाँच करने पर होगा, जो कहना साफ साफ कहें जांच करने पर हम कैसे बताएं तेंदुआ था कि चीता था, यही कुल बता के लिख पढ़ के पुलिस वाले वो भी सब चले गए, और भी आपके तरह मीडिया वाले भी आए थे और जो भी हैं। जो अभी बता रहे थे कि एक लोग दौड़ाए थे उसको पहले बार जो देखे थे, वो कहाँ पे हैं? बबलू का है बाटन। अच्छा, खेत में काम कर रहे हैं। हाँ, पहली बार उन्होंने ही देखा था? नहीं, वो इधर से अपने ट्यूबवेल की तरफ जा रहे थे, सब लोग इधर करे तो टार्च मारे, वो तो कहें इधर है चाचा, तब तो हम जब 10-12-15 लोग थे, टार्च जब मारे तब इधर देखे तो एकदम आराम से पेड़ से होते हुए वो गया और उस टिब्बुल तक गया, उसके बाद वहीं कहीं जंगल में या कहीं झाड़ी में घुस गया, उसके बाद उसका पता नहीं लगा सर। अच्छा जी सर। तो और भी आपको शंका है कि कुछ लोगों को घायल कर सकता है? शंका है, अभी हम लोग तो डेली इसीलिए जग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या करें, पूरी रात कोई सो नहीं रहा है जी भाई, अटैक दोबारा किसी का। और हम लोग छत पे ही ईटा पाथर रख के बैठे हैं, छत से ही अगर कहीं नजर आएगा छत से ही वार करेंगे। क्या लगता है कि आपके ईटा पत्थर से वो अगर तेंदुआ होगा तो डर जाएगा? अरे भाई, मेरे पास और कोई औजार नहीं, हम किसान आदमी है, या तो हंसिया खुरपा है या तो ईटा और पत्थर है। क्या प्रशासन पे क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी? प्रशासन को जब इतना सूचना दिया गया, प्रशासन अभी उस पर एक्शन नहीं लिया, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं किया, कितना खतरनाक जानवर है लाओ इसको हम देखते हैं, उस पर कोई अमल नहीं किया, तो क्या कहें प्रशासन को? प्रशासन को खुद सोचना चाहिए, इतना खतरनाक जानवर है और किसानों के बीच में, किसान के पास क्या औजार, उससे लड़ने की किसी क्षमता है? बिल्कुल नहीं है। क्या बड़ी घटना होने की आशंका भी है? पूर्ण रूप से, क्योंकि हमें यह जानकारी मिली है 48 घंटा तक, जिस हिसाब से रोड लिया 48 घंटा के बाद फिर वापस। अभी ऐसा खबर, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे, ये हमारे साथ में सारे लोग ग्रामीण हैं, ग्रामीण कुछ बताए थे कि इसके पहले किसी दूसरे गांव में हल्ला गुहार हुआ था। किस गांव में हुआ था कोई बताएगा भैया? किसमें? किसमें हुआ था कोई जानते हैं? छिदुआरी में बता रहे हैं, हमको जानकारी हो पूर्ण। आपको जानकारी है? छिदुआरी में हुआ था। अच्छा, छिदुआरी में हुआ था जी। तो क्या वहाँ पे भी प्रशासन गई थी? अब वहाँ प्रशासन के बारे में हमको मालूम नहीं, झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, ये सूचना मिली कि यहाँ भी तेंदुआ का कुछ दशक था, वो लोग कहें तेंदुआ आ गए, तेंदुआ हल्ला गुहार वहाँ भी मचा था। अच्छा, ये चाचा जी आ गए हैं, चाचा इसी गांव के हैं चाचा? आप हम मीडिया से हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। तो कल से एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि करौंदी में तेंदुआ आया और एक भैंस को निवाला बना लिया। तो वो भैंस को खाया है वहाँ, वो चौहानपुर का कहाँ रहे जी? चौहानपुर का मास्टर कमराज सिंह बता रहे थे अभी, वो चौहानपुर का कहाँ रहे, उसकी भैंस वो थी पंडिया और वो मरणसैया स्थित थी, मर चुकी थी, उसको सियार खाए। यहाँ पे एक घटना घटी है बता रहे हैं लोग, और उसके कुछ निशान भी यहाँ पे मिले हैं, इस खेत में कुछ निशान मिले। अच्छा, यहूँ खा लिया तो
तो मरी रही लेकिन जिंदा थी। ये बता रहे हैं कि कई साल की पड़िया थी कि बच्चा था, क्या था? डेढ़ साल की पड़िया थी उसको। अभी वाला उसकी वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पे चल रही है। नहीं, पिछले साल से, पिछले साल पहले जो है एक तेंदुआ यहाँ पर लंगड़ होते हुए आ गया था गांव में हमारे पास में। अच्छा, इसके पहले एक साल पहले तेंदुआ आ गया था लंगड़ अवस्था में। हाँ, उसको हम लोग पकड़ करके बैठाए, वन विभाग को बुला करके उनके हवाले किए जी। वो ले गए, दवा इलाज कराए, अब जिंदा है, मरदा वो अलग चीज है, लेकिन इसके पहले आया था, एक बार पहले आ चुका है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये चाचा जी, क्या नाम बताए थे चाचा आप? विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप सिंह है, इसी गाँव के रहने वाले हैं। तो इन्होंने बताया था कि एक साल पहले इस गांव में तेंदुआ आया था, वो विकलांग अवस्था में था, उसको वन विभाग वाले लेके चले गए थे। अब क्या किए हैं वो वन विभाग वाले जाने। इस गांव वाले पकड़े, गांव वाले पकड़ करके जब देखे घायल, इस टाइम कुत्ते उत्ते सब लंगड़ा रहा था, घायल था वो, तो गांव में वहीं सब लोग पकड़ के इकट्ठा किए। फिर हमने उनको फ़ोन किया, क्योंकि मैं भी वन विभाग कर्मचारी रहा हूँ। अच्छा, अभी वन, तो हमको उस बात का पता था, तो चीफ को वहाँ से फ़ोन किए लखनऊ, वहाँ से फ़ोन आया, डीएफओ की पूरी टीम आई और जीप से उसको ले, गाड़ी से ले गए, उसका दवा इलाज कराया। अच्छा, एक काम हमारा करेंगे सर, ये सारे ग्रामीण हैं, आपके ही ग्रामीण हैं, हमारे भी ग्रामीण हैं, जिला भी हमारा है, अगर ऐसी घटना होती है तो बड़ी शर्मनाक होगी। आप वन विभाग से हैं तो एक मिनट कष्ट करेंगे, थोड़ा ये पक के निशान है, थोड़ा अगर पहचानते हो तो दो मिनट के लिए सर कष्ट कर दे, कष्ट कर दीजिए सर जी, और दिखा दीजिए क्या कुत्ते के निशान में, और जो है ये भाई कुत्ते का पंजा छोटा होता है जी, और इनका पंजा जो है ये बाघ के सेकंड रूप हैं, तेंदुआ जो हैं। तो सर कैमरे में चल रहा है, तो कुछ आप भी वन विभाग से हैं तो एक मिनट का सर कष्ट कर दीजिए। तो ये चाचा जी जो अब पग को देख चुके हैं, अब ये बताएंगे क्या लगता है चाचा जी कि ये जो बड़ा सा पग दिख रहा है ये कुत्ते का है या क्या अन्य जानवर का है? नहीं, कुत्ते का तो नहीं है भाई जी, कुत्ते का नहीं है, और तेंदुए का पैर और बड़ा होता है। अच्छा, इससे चौड़ा होगा जी, ये उससे बीच का कोई जानवर है जिसको हम लोग ये पहले भाई उसको जैसे तेंदुए मतलब कहेंगे, तेंदुआ वैसे चीता का रूप है। अच्छा, तेंदुआ तो चीता का रूप है, चीता का रूप है, लेकिन उससे छोटा है ये जानवर, पंजा उसी का है। अब वो कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, यानी कि बड़ा ही जानवर का है ये जो जानलेवा हमला कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जानलेवा क्या मतलब, छोटे जानवर, छोटे बच्चे, सिंगल आदमी को अटैक करके मार सकते हैं। हाँ, इनमें ये ताकत है, यही सब है बेटा। अच्छा, तो दर्शकों देख सकते हैं चाचा जी थे हमारे साथ में वन विभाग से, तो इन्होंने बताया कि वो तेंदुआ की भी आशंका नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, बड़ा जानवर हो सकता है जो बच्चे या कोई जानवर पे अटैक करके जानलेवा हमला कर सकता है। दर्शकों, अभी आपको जो ये घटना दिख रही है जो जयसिंहपुर क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुए की खबर जो चली, खबर की मैंने पड़ताल की, पड़ताल में ये निकल के आया कि कोई ग्रामीण अभी तक तेंदुओं को देखा तक नहीं है। लोग जो पग के निशान पाए गए हैं वो पग के निशान से दहशत का माहौल ग्रामीणों में बना हुआ है। इसी पड़ताल में हम आ गए हैं वन अधिकारी के पास, रेंजर साहब यहाँ पे मिले हैं, आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं रेंजर साहब। सर, ये जो जयसिंहपुर क्षेत्र में तेंदुआ निकलने की खबर आई है, क्या मामला हुआ और क्या कार्रवाई चल रही है? जिसमें जब से खबर मिली है तब से जो है बराबर सर्च किया जा रहा है, और अभी तक कोई जानवर इस तरह का नहीं मिला है, और ये घटना जो है बेबुनियाद है और झूठी खबर। क्या नाम है सर आपका? और आर्मी कैथल क्षेत्रीय वनाधिकारी जयसिंहपुर। तो इसमें अभी मतलब ये घटना असत्य पाई गई है? असत्य पाई गई है, और इसमें जो है मेरे स्टाफ द्वारा, मेरे द्वारा रात्रि में बराबर जो है निगरानी रखी जा रही है, जैसे भी कोई इस तरह का प्रकरण आएगा सामने वो अवगत कराया जाएगा। ऐसे चल रहा है कि एक भैंस को निवाला बनाया गया है, भैंस इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये इसमें जो है कोई पुष्टि नहीं हो पाई है,
कुत्तों ने खाया कि कौन जानवर खाया, भैंस वालों से भी पूछा गया, उनके द्वारा भी यही कहा गया हमने कोई जानवर नहीं देखा। इसकी जांच चल रही है? हाँ, जांच चल रही है, जैसे भी जांच में तथ्य सामने आएंगे वो अवगत करा दिया जाएगा। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।